बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें अभी तक सेल्फ डाउट हो रहा होगा कि क्या हम नीट क्लियर कर सकते हैं, क्या हम अभी बचे हुए टाइम में भी पढ़कर नीट को क्रैक कर सकते हैं, क्या हम बहुत लेट हो गए। तो अगर अभी तक आप इस कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को चुना है। दोस्तों, आज हम आपसे शेयर करना चाहते हैं हम अपनी खुद की नीट की स्टोरी, क्योंकि हम जानते हैं कि इस फेज में हमें किन चीजों की जरूरत होती है, हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है एग्जाम के कुछ महीने पहले, और हम ऐसे एग्जाम्पल्स को ढूंढते रहते हैं जिसे हमें थोड़ा अपने प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस मिले, थोड़ा सा हिम्मत मिले और काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिले कि हाँ, हम भी नीट क्रैक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भी याद है कि 10 अप्रैल को हमारा मॉपअप राउंड था बिहार का, MBBS कॉलेज नहीं मिला। चूंकि वो ऑफलाइन होता है तो खाली हाथ मतलब लौटना वहां से बड़ा बेकार लगता है, क्योंकि अगर हम जा रहे हैं मॉपअप अटेंड करने तो गार्जियन का कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि शायद कॉलेज मिल जाए। तो तब तक मैं बस पढ़ने की ही कोशिश करते रह जाता था और पढ़ नहीं पाता था। मैंने पढ़ना शुरू किया था 11 अप्रैल से, मॉपअप के अगले दिन से, और हमारा नीट का एग्जाम शेड्यूल हुआ था 17 जुलाई को, और डेट अनाउंस कर दिया गया था करीब 10 अप्रैल को हमारा मॉपअप था, तो उससे करीब एक महीना पहले 15 या 20 मार्च को हमारा एग्जाम बताया गया था कि हाँ, 17 जुलाई को एग्जाम होने वाला, और 4 महीना उस टाइम बच रहा था उस वक्त से। तो जब डेट अनाउंस हुआ था हमारा, उस वक्त होली का टाइम था और मैं घर पे ही था। पता है, हम ड्रॉपर्स की सबसे बुरी आदत, साल भर पढ़ने की बस कोशिश करते रह जाते हैं और देखते देखते पूरा साल खत्म हो जाता है और फिर से वापस नीट की डेट आ जाती है, और तब हम पढ़ने के लिए फिर पूरा एफर्ट्स लगाने का कोशिश करने लग जाते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ। होली बीतते ही हमने डिसाइड किया कि अब बाहर अपने सिटी में एक रूम लेंगे रेंट पे, और वहां रह के जो भी बचा टाइम है वहां पे पढ़ाई करेंगे। तो मैंने रूम तो ले लिया, पर वही मॉपअप के वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रहा था, और मॉपअप जब हुआ और मुझे कॉलेज नहीं मिला, और उस दिन का वो थोड़ा सा पछतावा, उसके वजह से मैंने अगले दिन ही वापस अपने रूम पर आकर और 11 तारीख से ही पढ़ना चालू कर दिया। तो मैंने अभी तक पूरे साल से कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, और मैंने एक पिछला वीडियो डाला भी है कि हाँ, मेरे उस वक्त मतलब फिजिक्स में मैंने एक टेस्ट लगाया था तो 54 नंबर आए थे, और फिर वो 160 तक मैंने नीट में पहुंचाया। उसके लिए मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे मेरे 54 से 160 आ गए, और थोड़े से मैंने टेस्ट के कुछ प्रूफ्स दिखाए थे। तब हमने पढ़ाई शुरू किया था, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो देख लेना। मैंने बताया है कि मैंने एक टेस्ट लगाया था एग्जाम अनाउंस होने के जस्ट बाद बिना पढ़े हुए, तो मेरे कुछ मार्क्स थे, और फिर जब होली खत्म हुआ, जब मैं रेंट लेकर रूम पे गया, और फिर मॉपअप 10 को खत्म हुआ, और 11 से मैंने ठाना कि मुझे बहुत जबरदस्त पढ़ाई करना है और मुझे इस साल कॉलेज लेना है। और तब करीब मेरे पास 95-96 दिन के आसपास मेरे पास बच रहे थे, तो मुझे भी नहीं पता था कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा या क्या होगा, लेकिन बस मेरे मन में एक अंदर से इतना कॉन्फिडेंस था कि जितना भी मेहनत लग जाए लगाएंगे, और मन में ये था कि अगर यार अभी से ढंग से पढ़ लिए ना तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। और फिर तब से मैंने सच में वो बचे हुए 90-95 दिन मैंने बहुत मेहनत करी, और आप देख रहे हो उसका रिजल्ट। अभी हम एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हैं, और आप भी जा सकते हो अगर अभी से भी शुरू कर दो। तो आपने सुना होगा कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। तो आप जैसे भी हो, जितने रिसोर्सेस आपके पास हैं, मतलब जहां भी हो, पूरे जितनी रिसोर्सेस आपके साथ है उसके साथ आप लग जाओ अभी से। आपके पास जो भी है सब लगा दो और शुरू कर दो। भाई, जब हम कर सकते हैं ना तो आप भी कर सकते हो, और आप करोगे भी। और भाई, मैं तो हुई इन 3 महीनों में, मेरे पास जो भी मापदंड है, जो भी मैंने इफर्ट्स लगाए, या फिर जैसे भी मैंने इन 3 महीनों में सिलेक्शन लिया, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे, एक एक वीडियो प्रॉपर लाते रहेंगे ढंग से। और मेरे पास जो कुछ भी है, जो आप टिप्स कह लो, ट्रिक्स कह लो, आइडिया कह लो, कैसे पढ़ना है, कैसे मैंने पढ़ा और कैसे इस 3 महीने में ही सिलेक्शन ले लिया, वो सब हम पूरी प्रॉपर हर 1-2 दिन पर वीडियो डालकर और आपको सब कुछ आपके सामने रख देंगे। फिर वो आपके हाथ में है कि आप उसे अगर ठीक लगे तो फॉलो करें, और आप भी मेरी तरह एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाए। सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया हो तो। हर एक छोटी छोटी बात यार, टाइम टेबल मेरा, पढ़ने का तरीका, कैसे कम टाइम में भी ज्यादा पढ़ लें, ज्यादा उससे हम आउटपुट निकाल लें, ये सब छोटी छोटी बात हम आपको एक एक वीडियो के थ्रू आपके बीच में लाते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।